सत्यभामा हॉल में आयोजित शिव वातुक सेना के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने एक सुर में शिवसेना को जिताने का प्रण लिया। शिव वातुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपक महेश्वरी के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में शिवसेना महिला नेता कामिनी राहुल शेवाले, उप विभाग प्रमुख अविनाश राणे, वरिष्ठ शिव सैनिक और नगर सेवक अनिल पाठनकर और नगर सेविका अंजलि नायक ने उपस्थित रहकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और शिवसेना उम्मीदवार राहुल शेवाले को जिताने के लिए अधिक से अधिक कार्य करने का आह्वान किया। आने वाले चुनाव में शेवाले साहब को भारी वोटों से जिताने के लिए उनको आह्वान किया है और सभी अपने ही हैं, लेकिन भारी वोट से जीतना ही अपने लिए सब सबसे ज़्यादा उनकी पावर ज़्यादा है, तो उनका आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए। जो पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो शेवाले साहब पे एक विश्वास रखा और 29 अप्रैल को जो चुनाव है तो उसके लिए उनको अभी इधर आह्वान किया है कि उसमें भारी संख्या से अपने जो साथ वाले आस पड़ोस वाले हैं उनको बोल के कि धनुष्यवार तीर कमान पे अपना निशाना लगा के उनको भारी संख्या से चुन के देना है। और ये जो आज आपने देखा है कि उनकी जो ताकत है वो बहुत बड़ी है, रिक्शा चालक है, ड्राइवर और अपने टैक्सी चालक है, टेम्पो चालक है, लेकिन ये एक के साथ 10 जुड़े हुए रहते हैं और दिन भर में ये जो काम करते हैं तो वो जो प्रवासी उनके साथ लेके जाते हैं तो उनमें वो भाई बहन रहेंगे तो उनके साथ भी चर्चा करते हैं तो अपने आप वो प्रचार भी वो करते हैं और उनका इनोसेंस कभी दिखता नहीं लेकिन उनके पीछे बहुत सारा इनोसेंस है और उनकी जो अपनी सात्विकता है, उनकी जो बात करने का है तो वो अपने उनके बातों से अपने एरिया में या फिर किधर जाते हैं जो उनके पैसेंजर हैं उनको भी वो बताते हैं। तो हम भी वही उनको बताना चाहेंगे कि जो शेवाले साहब ने आज 5 साल तक काम किया है वो आगे जाके और हमारा जो अपना दक्षिण मध्य मुंबई है वो जो इलाका है वो अच्छे से और डेवलप होगा और हमारा नाम अच्छा रोशन होगा, महाराष्ट्र में रोशन होगा, भारत में रोशन होगा। तो उसके लिए आप ये जो भाई और बहन सब लोग आए हैं भाई साहब तो उनके माध्यम से हम यही बनना चाहते हैं। चुनाव का दौर है और शिवसेना के सभी अंग, सभी संगठनाएं, ग्राहक संरक्षण हो चाहे शिव वातुक सेना हो चाहे स्थानीय लोक अधिकार समिति हो, भारतीय कामगार सेना हो, जितनी भी संगठना के अंग है वो सभी प्रचार में जुट गए हैं। उसी के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र वातुक सेना के अध्यक्ष जी दीपक जी माहेश्वरी ने इस सभा का आयोजन किया था और इस माध्यम से वातुक संगठना के सभी सभा सदस्यों को, पदाधिकारियों को आह्वान किया गया कि हमें काम करना है, शिवसेना भाजपा आरपीआई युति के लिए काम करना है और शिवाले साहब को बड़ी भारी संख्या में चुन के देना है। क्षण का दौर सामने आ गया है, शिवाले साहब की सीट है हमारे लिए, हमें उम्मीद हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी की है, जिस उम्मीद के ऊपर हम सारे टिके हुए हैं ये उम्मीद इस सीट के ऊपर है। इस सीट को जिताना हमारा मकसद है और इसको जिता के हम छोड़ेंगे, इस जिताए बिना हम छोड़ेंगे नहीं और उस मुकाम से जिताएंगे जो लक्ष्य जो जिसने सोचा है उससे कई गुना आगे जाएगा। सीट के माध्यम से कोई भी पक्ष अगले बार इस इलेक्शन में जो होगा उसको देख के अगले इलेक्शन में खड़े होने की ताकत नहीं बना सकेगा। शिव वातुक सेना की टीम अपने हर काम में लगी हुई है, इलेक्शन के दौर में मैंने सबको बोला है जहां तक हो सके अपने जितने भी जो नेता इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनका जितना सहयोग हम कर सके अपनी ताकत के साथ में, जितने हम अपने जो अपने हद में आ सके वो काम हम कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन यहां मुंबई के अंदर मैं अपने हर पदाधिकारी को अपनी ताकत साथ में देते हुए हर काम करवा रहा हूं और हम हर चीज़ चाहे वो टैक्सी हो, रिक्शा हो, बस हो, हर सुविधा यहाँ उपलब्ध करेंगे इस इलेक्शन के अंदर अपनी तरफ से। आज शिव वातुक सेना के माध्यम से हम लोग ने राहुल शिवाले साहब के लिए बहुत बड़ी इलेक्शन के लिए तैयारी की है और पूरा वातुक सेना शिवाले साहब को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और शिवसेना का भगवा वापस पड़केगा और हमारे खासदार वापस बनेंगे और राहुल शिवाले बनेंगे, इसकी तैयारी शिव वातुक सेना के सारे रिक्शा टैक्सी वाले लोग ने अभी से कमर कस ली है। आप लोग ने देखा होगा सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ राहुल शिवाले साहब के लिए आए हैं और पूरे भरपूर मत से हम लोग शिव वातुक सेना वाले उनको जिता के देंगे, ये हमने कसम खाई है।
और जब तक नहीं जीतेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, हम राहुल शिवालय के लिए साहब के लिए पूरा पूरा काम करेंगे और राहुल साहब को हम लोग जीता के रहेंगे। एम्बूर में अभी शिवातुक सेने का एक मेड़ा हुआ रखा गया था, जो हमारे अध्यक्ष साहब जो है हमारे दीपक महेश्वरी, उन्होंने यहाँ पर एक मेड़ा हुआ रखा था और हम लोगों ने ये इमिजिएटली एकदम ये मेड़ा हुआ रखा और यहाँ बहुत सारे वातुक पदाधिकारियाँ यहाँ पर आए और हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब इस चीज़ से कि शिवाड़े साहब यहाँ पर उनको बुलाया गया और वो जीत कर आए। हम लोगों की कोशिश भी यही है